बहुत सारा यूजर का SBI योनो लॉगिन करने के टाइम में OTP नहीं रिसीव हो रहा है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप लोग किस तरफ से ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास टेक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, SBI योनो जब आप लॉगिन करते हैं यूजर ID और पासवर्ड देके, नहीं तो आप नया डिवाइस में आप लॉगिन करने का कोशिश करते हैं, तब आपका नंबर पे OTP आना बंद हो जाते हैं। नहीं तो आपका नंबर पे OTP लिमिट करके एक दिखाता है, OTP लिमिट एग्जिस्ट, इस तरफ का कुछ एरर मैसेज आते हैं। इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कैसे आपका घर में बैठे कर सकते हैं, ये जो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये सिलेक्टेड अकाउंट के लिए हो सकता है। जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम है इस प्रोसेस से भी शॉर्ट आउट नहीं होगा तो आपको बैंक में जाके अगेन आपका मोबाइल नंबर को चेंज करने का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। जो हमारे साथ हुआ है वो चीज़ हम आपको शेयर करेंगे। बट हमारा जो केस में क्या हुआ था, हमारा चेंज करने का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ मैसेज किए हैं एक नंबर पे, मैसेज करने से ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया है। बट आपका शॉर्ट आउट नहीं होगा तो आप बैंक में जाके चेक कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले आपको क्या करना है, आपका मैसेज जो सेक्शन है, आपका जो मैसेज करते हैं जिस ऐप से, तो वो ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के टाइम में आपको ये जो मैसेज, नया मैसेज सेंड करने के लिए जो ऑप्शन है, इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक नंबर मैं आपको देता हूँ, जो मैं अभी पेस्ट कर दे रहा हूँ। इस नंबर पर आपको क्या लिखना है, ये जो नंबर देख रहे हैं 8108015880, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है, ये से लिख के भेजना है। ये ध्यान में रखिए, आपका नंबर बैंक में वही नंबर रजिस्टर होना चाहिए, उसी नंबर से आपको ये से लिख के भेजना है। जब आप ये से लिख के भेजेंगे, ये से लिख के भेजने के टाइम पर आपका नंबर पर एक मैसेज अगेन आएगा, जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। देखिए, आपका नंबर पर इस तरह का एक मैसेज आएगा। इधर देखिए, डियर कस्टमर रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम लिंक मोबाइल नंबर, लास्ट में जो मोबाइल नंबर है वो इधर दिखा रहा है, योर CIF नंबर इच एटसेट्रा, इस तरह का एक ऑप्शन आएगा। इसके बाद दिखाएगा आप इसको अगेन कॉन्फर्म करना चाहते हैं तो अगेन इसी नंबर पे आपको इस लिख के भेजना है। ये देख रहे हैं रिप्लाई टू यस, तो आपको क्या करना है, अगेन इसी नंबर पे ऊपर मैसेज करना है। मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट ए मिनट, अगेन आपको इसी नंबर पे मैंने मैसेज किया था, ये देखिए अगेन इसके बाद आने के बाद अगेन मैंने मैसेज किया था यस लिखने के बाद। जब आप यस लिख के भेजेंगे तब आप चेक कर सकते हैं, तब से हमारा OTP आना स्टार्ट हो चुका है। वो जो डेट था 20 अक्टूबर था और तब से हमारा SBI योनो का OTP आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो सिंपल प्रोसेस है, ये आप घर में ट्राई कर सकते हैं। आपका घर में नहीं हो रहा है तो आपको ये बैंक में जाना पड़ेगा। जो मैं मेरे को बैंक से इन्फॉर्मेशन मिला है, मैं आप लोगों को शेयर किया हूँ। वीडियो का चला गया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहिए, नमस्ते।